राम राम दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले क्रोम कास्ट, यानी जिसके पास में नॉर्मल LCD हो, जो एंड्रॉयड नहीं हो, और आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करनी है उस नॉर्मल LCD के अंदर, यानी उसको स्मार्ट बनाना है। तो जैसे ये एक LED मॉनिटर है, LED नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्मार्ट बना के अपना मोबाइल है वो आपको इसमें चेक कराने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। ऑनलाइन आप देखोगे तो ये 950 के आसपास मिलेगी, अगर ऑफलाइन मार्केट में आप खरीदना चाहो तो 550 के आसपास में वो मिल जाएगी। तो लगभग है वो ऑफलाइन ही खरीदना, ताकि ऑफलाइन है वो ऑनलाइन से सस्ते रेट में आपको मिलने वाली है। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग है वो स्टेप बाय स्टेप है वो बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। तो अंदर बॉक्स खोल के दिखाते हैं पहले तो हमें मिलता क्या है। तो ये देखिए, एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, साइड में एक छोटा सा स्पीकर है, और यहाँ पे HDMI पोर्ट है जो अपने LCD में या LED में कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद में एक यहाँ पे अपने को लीड मिल जाती है, जो लीड है वो सिंपली इसमें कनेक्ट होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन वगैरह है, वो क्रिएट कर देते हैं, तो उस समय हम लोग इसको रीसेट करने कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको LCD में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल LCD है, मैंने यहाँ पे HDMI जो पोर्ट है इसके अंदर है वो इसको कनेक्ट कर दिया है। अब सिंपली इसको क्या, हमें एक पावर देना है। जैसे आप इसे पावर अडेप्टर से भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे लैपटॉप से दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे पावर कनेक्ट कर दी, और ये जो स्क्रीन है केबल यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो, मैंने पावर है वो लैपटॉप से दे दी, यहाँ पे SDMI लगा दी। अब ये जो क्रोम कास्ट है वो यहाँ पे आ गया है। इसका पासवर्ड है वाईफाई का, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। अब मैं लैपटॉप में मोबाइल में आता हूँ मेरे, और यहाँ पे इसका वाईफाई है वो कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसका वाईफाई का नाम आ जाएगा, आया नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं वापस। ये देखो AnyCast नाम से आ गया। इसका पासवर्ड है वो अपने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से 8 1 2 3 6 7 8, और कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे दिखा भी दिया देखो, वन डिवाइस अब कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे मोबाइल में आता हूँ, और स्क्रीन जो शेयर का ऑप्शन अपने मोबाइल में, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, स्क्रीन डिवाइस में कनेक्ट करें। तो यहाँ पे जो मोबाइल है वो प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन है वो इसमें शेयर कर सकते हो, कम पैसे में अपनी नॉर्मल LCD का वो एक एंड्रॉयड लुक है वो दे सकते हो।